दोस्तों, टिटहरी मध्यम आकार के जलचर पक्षी होते हैं। यह प्रायः जलाशयों के समीप रहती है। इसे कुर्री भी कहते हैं। ये धरती पर मामूली सा गड्ढा खोदकर अथवा थोड़े से कंकड़ों और बालू से घिरे गड्ढे में घोंसला बनाते हैं। इनका प्रजनन बरसात के समय मई से जुलाई माह के दौरान होता है। टिटहरी एक प्रवासी पक्षी है। ये उथले पानी और कीचड़ वाली जगहों पर पाई जाती है। टिटहरी अपनी चोंच और अंडों के कारण प्रसिद्ध हैं। आइए टिटहरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। टिटहरी पक्षी सिर्फ दिन में ही अपना भोजन तलाश करती है, बाकी रात में वह आराम करती है। टिटहरी प्रजनन के समय प्रवास करती है। यह यूरोप और एशिया में पाई जाती है। टिटहरी के चलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह जब चलती है तो इसका सिर और पूंछ बारी बारी से ऊपर नीचे होता है। इस व्यवहार को टीटरिंग कहा जाता है। इसको खतरे का आभास होते ही ये जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। टिटहरी की चोंच बिल्कुल चम्मच जैसी होती है। प्रजातियों के हिसाब से इसका रंग अलग अलग होता है, पर सभी टिटहरी के पेट का हिस्सा सफ़ेद होता है। ऐसा माना जाता है कि टिटहरी अपना अंडा बेशकीमती पारस पत्थर से फोड़ती है। टिटहरी पक्षी अपनी चोंच की अजीब बनावट और टिटहरी के अंडे के कारण जानी जाती है। यह एक प्रवासी पक्षी है। अंग्रेजी में इसे सैंडपाइपर कहते हैं, क्योंकि यह शिकार के लिए उथले पानी या कीचड़ में रहती है। टिटहरी पक्षी की खासियत है इसकी चम्मच जैसी चोंच, जिससे वो आसानी से पानी में शिकार कर लेती है। टिटहरी का भोजन कीचड़ या मिट्टी में पड़े फलों के बीज होते हैं। यह कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। यह एक अच्छा शिकारी होता है। इस पक्षी का सिर गोल होता है, जबकि गर्दन छोटी और टांगें लंबी होती हैं। टिटहरी पक्षी की औसत लंबाई 8 इंच तक होती है। मादा टिटहरी नर से लंबी होती है। ये पक्षी हवा में तेज उड़ता है और मादा टिटहरी को रिझाने के लिए हवा में गोते भी लगाता है। ये जमीन पर भी तेज गति से दौड़ता है। टिटहरी का प्रजनन समय मई से जुलाई के बीच होता है। टिटहरी प्रजनन के समय केवल एक नर से ही संबंध बनाती है। मादा टिटहरी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंडे तक देती है। नर और मादा टिटहरी इन अंडों को सेने का कार्य करते हैं। अंडे पानी के किनारों पर होते हैं। लगभग 20 दिन तक सेने के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। टिटहरी के अंडे दिखने में पत्थर की तरह होते हैं, इसलिए वो शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। टिटहरी मौसम की भविष्यवाणी भी करती है। अगर यह पक्षी ऊंचे स्थान पर अंडे देती है तो अधिक बारिश का अनुमान लगाया जाता है, और अंडे निचली जगह में होने पर कम बारिश का अनुमान होता है। वर्तमान में यह पक्षी तेज गति से विलुप्त हो रहा है। टिटहरी का औसत जीवन काल 12 वर्ष का होता है। भारत में इसकी 2 से 3 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। टिटहरी का आकार प्रकार कुछ कुछ बगुले से मिलता जुलता होता है। गर्दन बगुले से छोटी होती है और सिर और गर्दन के ऊपर की तरफ और गले के नीचे का रंग काला होता है। इसके पंखों का रंग चमकीला कत्थई तथा सिर गर्दन के दोनों ओर एक सफ़ेद रंग की चौड़ी पट्टी होती है। टिटहरी की दोनों आँखें के सामने एक गूदेदार संरचना पाई जाती है। इसे देखकर यह पक्षी दूर से ही पहचान लिया जाता है। टिटहरी की दूसरी प्रजातियों में आँखों के पास पाई जाने वाली यह संरचना पीले रंग की गूदेदार होती है। दक्षिण एशिया में कुल 9 प्रकार की टिटहरियाँ पाई जाती हैं, और भारत में लाल गल चर्म वाली टिटहरी बहुतायत में पाई जाती हैं। टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा ज़मीन पर रहता है, कभी किसी पेड़ पर अथवा बिजली के तार पर नहीं बैठता। दरअसल इस पक्षी के पंजों में 3 उंगली आगे की तरफ होती हैं और पीछे कोई उंगली नहीं होती, जिसके कारण किसी भी पेड़ की टहनी पर यह पक्षी पकड़ या ग्रिप नहीं बना पाता है।
टिटारी पक्षी की लंबाई 11 से 13 इंच एवं पंखों का फैलाव 26 से 34 इंच होता है। इसका शारीरिक भार लगभग 128 से 330 ग्राम पाया जाता है। इसके पंख गोलाकार होते हैं तथा सिर पर एक उभरा भाग होता है जिसे क्रेस्ट कहते हैं। इसकी पूंछ छोटी एवं काली होती है जिसकी लंबाई लगभग 104 से 128 मिलीमीटर पाई गई है। इसके चोंच की लंबाई लगभग 31 से 36 मिलीमीटर देखी गई है। अंडों का आकार ओवल होता है जिनका आकार 33 से 47 मिलीमीटर होता है। ये चिकने एवं पत्थर मिट्टी के रंग के होते हैं एवं इन पर काले धब्बे होते हैं। टिटहरी दिन रात जागकर अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करती है। दोस्तों, टिटहरी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।